नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। नाक व सर पर गंभीर चोट होने के चलते खीरो से जिला अस्पताल किया गया रेफर। रायबरेली जनपद में मारपीट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन किसी न किसी थाना क्षेत्र में मारपीट की घटनाएं उजागर होती हैं। एक ऐसा ही मामला रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया, जहां यहां पारिवारिक प्रतिपक्षियों ने युवक को इतना पीटा, पीड़िता ने इसकी सूचना 112 को दी। घायल को गंभीर देख डॉक्टरों ने स्थानीय खीरो चिकित्सालय से घायल को जिला अस्पताल रेफर किया है, जहां नाक से ब्लड बंद न होने से हालात नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला जमपुरिया मजरे अजीतपुर थाना खीरो का है, जहां की पीड़िता सोनी पत्नी बिंदादीन ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते बीती देर शाम 8 बजे लगभग शंकर भोले पुत्र श्रीनाथ, मुकेश अज्ञात, सुजीत पुत्र रामकुमार व नन्नकाई रश्मा पुत्र गण श्रीनाथ ने एक राय होकर लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। पीड़िता के पति को सर व नाक पर गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद गंभीर अवस्था में खीरो चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़िता का कहना है कि पुराने रंजिश के चलते हर दिन प्रतिपक्षी मारपीट करते हैं, इस बार भी मेरे पति को लहूलुहान कर मरा हुआ समझ छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता ने खीरो पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग की है। अब देखना यह है कि खीरो पुलिस मुकदमा दर्ज कर क्या कार्यवाही करती है, यह तो समय तय करेगा। क्या नाम है आपका? हस्बैंड का नाम? किस गाँव की रहने वाली? थाना खीरो। क्या हुआ? किसने मारा? हमारे शंकर भोले। तो आदमी कहाँ है तुम्हारे? हमारे आदमी रायबरेली। तो आज कहाँ आई हो? आज यहाँ थाने आए। खीरो थाने? खीरो थाने। तो अभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है? अभी नहीं दर्ज हुआ। क्या हालात हैं उनके? गंभीर हैं? बहुत सीरियस। डॉक्टर ने क्या बताया? नाक से खून बह रहा है। बंद नहीं हो रहा है? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस।